बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अफ्तार के लिए एक बहुत अच्छी और डाइट के हिसाब से रेसिपी है सैंडविचेस। यहाँ पे मैंने बॉयल आलू तकरीबन 2 kg ले लिए थे। अब मैं तकरीबन 1 tablespoon सूखा धनिया और 1 tablespoon ही ज़ीरा लेकर उसको मैं कूट लूँगी। उसका पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा सा उसको कूटना है, मसलना है। अब उसको कूट लेने के बाद मैं एक साइड पर रख दूंगी और जो अपने आलू ही देखिए इस तरह इतना सा इसको कूटना है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं हमने बनाना। अब हम अपने आलू लेंगे और आलू में हम अपना चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, साथ में हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। धनिया को काट के मैंने ऑलरेडी धो के वाश करके रखा हुआ है और जो कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके साथ पहले से बॉयल्ड चिकन जो है उसके मैंने पीसेस कर लिए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों का ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का 1 tablespoon डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक डाला है, टेस्ट के मुताबिक 2 tablespoon डाले हैं। अब 1 tablespoon मैं सुरख मिर्च डालूंगी। सब्ज़ मिर्च भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो सब्ज़ मिर्च थी वो कड़वी नहीं थी, उनका कोई जायका नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं डाली। ये देखिए यहाँ पे सुरख मिर्च मैंने डाल दी है। अब 2 लीमों का रस इसके ऊपर निचोड़ देंगे और फिर इस सारे मसाले को हम अपनी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सैंडविचेस की ख़ास बात यह है कि हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे और आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि सैंडविच मेकर में बने हुए सैंडविच जो होते हैं वो काफ़ी ड्राई होते हैं। इनके लिए आज आपको एक ऐसी टिप मैं दूंगी जिसकी वजह से आपको ड्राई नहीं फील होंगे, बहुत अच्छे सॉफ्ट और बहुत मज़े के होंगे। बच्चों ने भी बड़े शौक से खाए थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये देखिए आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक एक जो सैंडविच का मसाला था उसको बना के अलग अलग पोर्शन में फ्रीज़ कर लिया था और कुछ अपने पास रख लिया था। टिप ये है जी कि आपने ब्रेड को अच्छे तरह से गीला करना है। ये देखिए एक साइड उसकी पानी में डिप कर लेनी है और उसको ब्रेड के ऊपर रख देना है। इसी तरह आपने ब्रेड की दोनों मतलब जो हैं जो ये वाला ब्रेड भी आपने गीला करना है, फिर इसके ऊपर बैटर लगाना है। बैटर लगाने के बाद फिर दूसरा ब्रेड भी जो साइड आपने ऊपर रखनी है उसको गीला करके फिर इसके ऊपर रखना है। इतना गीला करना है कि पानी में तकरीबन हाफ, ये देखिए हाफ ब्रेड जो है एक तरफ से वो बस डिप सा हो जाए, उसको पानी लग जाए। ठीक है, ये मैंने ब्रेड जो है अपने पानी में डिबो के थोड़े से डिप करके तो उनको एक साइड पर रख लिया है। अब हम अपना सैंडविच मेकर निकालते हैं। हमारा सैंडविच मेकर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी या नया नहीं है, पुराने ज़माने का है, लेकिन काम करता है, काम का उसका कोई इशू नहीं है। ये देखिए इसको मैंने प्रीहीट कर लिया है। अब मैं अपने जो ब्रेड हैं जिनको मैंने पानी से हल्का हल्का गीला कर लिया था वो इसके अंदर रखूँगी और इसको पूरा एक टाइमर दूँगी। आप अपने सैंडविच मेकर के हिसाब से अपने सैंडविच मेकर को यूज़ कीजिए। कुछ सैंडविच मेकर ऐसे भी होते हैं जिनको हाफ टाइम देना पड़ता है, कुछ होते हैं जिनको डबल देना पड़ता है। यहाँ पे मैं इसको फुल टाइम दूंगी और ये फुल टाइम देने के बाद ये अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। आप भी देखेंगे बहुत अच्छे ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके होंगे और इनका टेस्ट बाहर से एकदम ये क्रिस्प था और अंदर से बहुत सॉफ्ट था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने बटर पेपर अपनी डिश में रख लिया है। अब मैं इसको इसमें डिश आउट करती हूँ। मेरी जो ग्रीन लाइट है वो बंद हो चुकी है। ये देखिए इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट, इतने आराम से दरमियान में से ही हाफ़ हो रहे थे, वरना आमतौर पर दरमियान में हाफ़ नहीं होते क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ रमज़ान में आप कैसे खा सकते हैं। आप ये वाले 2 सैंडविच अफ्तारी में बआसानी खा सकते हैं। ये मेरे पास चुन्नू मुन्नू सा बिल्कुल एक डाइट चम्मच जिसको कह लें और साथ में डाइट प्याली है जिसमें थोड़ी सी केचप है और ये डाइट चम्मच के साथ ही मैं इतनी सी केचप इसके साथ खाऊंगी और अपनी अफ्तारी को एंजॉय करूंगी। आप भी ज़रूर रमज़ान में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी डाइट कैसे चल रही है, आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। वैसे तो रोज़ा खुद ही एक डाइट है, हमें उसमें किसी किस्म की डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि ऑयल वाली चीज़ों से बचें, ऑयल ना खाएँ, ऑयल के बगैर अपनी रेसिपीज़ तैयार करें। आज आपको सैंडविच की रेसिपी दी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको ऑयल फ्री रेसिपीज़ दी जाएंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।